हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि अगर हमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स गिवन है और हमें उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो उसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो जैसे जैसे हम सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि इसका यूज़ क्या है, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे हमें उसका यूज़ भी समझ आता जाएगा। तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर वन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन मेरा कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, आफ्ताब कहता है प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो अगर मैं प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब लेट कर लूँ, लाइक 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, तो मैं प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब को ले लेती हूँ एक्स, और मैं प्रेजेंट एज ऑफ उस डॉटर को ले लेती हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर वाई। ठीक है, तो प्रेजेंट में ही इज सेइंग, प्रेजेंट में क्या कंडीशन है कि 7 years ago, दैट मीन्स अगर 7 years ago होता है, 7 years ago होता है, तो फिर इसका मतलब अगर आफ्ताब की बेटी 7 साल छोटी होगी तो आफ्ताब भी 7 साल छोटा होगा, राइट? तो उसमें आफ्ताब की एज जो हो गई वो हो गई एक्स माइनस सेवन, और यहाँ हमने इक्वल्स टू में लिख दिया वाई माइनस सेवन। ठीक है, पर 7 years ago आफ्ताब जो था अपनी बेटी के 7 times था, इसका मतलब आफ्ताब की बेटी की अगर एज 7 साल पहले ये थी तो वो अपनी बेटी की एज के 7 times था, इसका मतलब इक्वेशन ये बनेगी, राइट? तो इसमें कैसे बनेगा, और अभी हमें क्या दे रखा है, 3 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब 3 years आफ्टर, आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी, एक्स प्लस थ्री, क्योंकि प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है, राइट? और आफ्ताब की बेटी की एज वाई ईयर्स है, तो आज से 3 साल बाद उसकी एज होगी एक्स प्लस थ्री और उसकी बेटी की एज होगी वाई प्लस थ्री। तो आज से 3 साल बाद आफ्ताब 3 गुना हो जाएगा अपनी बेटी के, 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, तो 3 times ऑफ दिस। तो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब अगर हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, x माइनस सेवन इक्वल्स टू 7 into y-7, राइट? इसको मैंने लिखा x माइनस सेवन इक्वल्स टू 7 को मल्टीप्लाई किया 7y, 7 को माइनस सेवन से मल्टीप्लाई किया तो -49, 7y को उधर ले गई और यहाँ लिख दिया मैंने -49 + 7, तो मेरी इक्वेशन बन गई एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल्स टू -42। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि -49 + 7 -42 होगा। नाउ अगर मैं अब इक्वेशन टू को सॉल्व करती हूँ, तो इक्वेशन टू को सॉल्व करके एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 3 into y + 3, एक्स प्लस थ्री किसके इक्वल आएगा, 3 को पहले y से मल्टीप्लाई किया तो 3y, और 3 3 = 9, आप x माइनस 3y और 9 - 3, तो क्या बन गया ये x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये मेरी दो इक्वेशंस बनी एल्जेब्रिकली। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि हमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी ये होती है, ठीक है, और अगर हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि ये हमारे ग्राफ पे कहाँ लाइक करेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें एक्स वाई की वैल्यूज़ मन में सोचते हैं कि सपोज करिए अगर मैंने एक्स की वैल्यू इसमें 0 रख दी इस इक्वेशन में, ठीक है, ये इस इक्वेशन का टेबल है,
अगर एक्स की वैल्यू इसमें जीरो रखी इस इक्वेशन में तो 0 - 7 - 42 के इक्वल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 6। ऐसे अगर मैं एक्स की वैल्यू 7 दे दूं तो क्या बनेगा, -42, उधर है 7 - 7 y, ठीक है, ये हो जाएगा 7 - 7 y -42, -7 y क्या हो जाएगा -42 -7, तो ये हो जाएगा -7 y इक्वल्स टू -49, तो 7 y की वैल्यू आ जाएगी 7। ऐसे ही अगर मैं अपने एक्स की वैल्यू को लेट करूं, मैं -7, ठीक है, -7 लेट करूं, तो -7 - 7 y हो जाएगी -42, -7 y क्या हो जाएगा -42 + 7 जो हो जाएगा -35, और -7 y इधर है तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। तो ऐसे करके मैंने अपनी टेबल बना ली और मुझे पता चल गया कि मेरी ये लाइन कौन से पॉइंट्स पे से जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मैं इसकी टेबल बना दूंगी, इसकी टेबल भी बनाना आसान है, ठीक है। कोई भी 3 पॉइंट्स ले लीजिए, एक्स की वैल्यू लेट करती रही, अगर मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो -3y 6 की इक्वल हो जाएगा, तो वाई -2 हो जाएगा। अगर मैंने एक्स की वैल्यू को 6 रख दिया तो 6 - 6 हो जाएगा 0, तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। अगर मैंने एक्स को 4 लेट कर लिया तो 4 - 3y 6 की इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक सेकेंड, ये 4 - 3y, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 6 - 4 - 3 y, या फिर मैं इसमें ले लेती हूँ, अगर मैंने y की वैल्यू -1 लेट कर ली, मैं ये हो जाएगा x - 3 - 1 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू +3 = 6 हो जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो इसमें मेरी x की वैल्यू 3 आ जाएगी जब मेरा y -1 होगा। तो अब मेरे पास टेबल आ गई है, इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा, अगर ये मेरा ग्राफ बन रहा है, इसमें मुझे जस्ट अ सेकेंड, ये लाइन को थोड़ा बीच से कट करते हैं, ठीक है। अब मुझे इसमें मैंने पॉइंट्स पुट कर दिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7, क्योंकि है हमारे पास पॉइंट एक 7 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इधर भी -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7। तो अब मैं पहले इस लाइन को प्लॉट करती हूँ 0, 6, 0 से 6 पे, येलो से लाइन बनाते हैं, 0 पे 6 पे, फिर 7 पे 7 पे 7 पे, ये हो गई, यहाँ कहीं लाइन आएगी, और -7 के 5 पे, तो ये लाइन जो है वो यहाँ थोड़ी ऊपर, यहाँ से ऐसे कुछ जा रही है, ठीक है। ये मेरी ये लाइन है, ये वाली लाइन नंबर 1 है, जो ये 1 टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही दूसरी लाइन है 0, -2, 0, -2 इधर आएगा, ठीक है, 0, -2 इधर आया, फिर आएगा 6, 0 और 3, -1, तो 3, और ये हो गया मेरा -1, तो ये लाइन मेरी ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली, आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं नाउ। अब मेरा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो मैंने क्या करा, बैट्स को ₹x उनकी कॉस्ट मान ली और बॉल्स की कॉस्ट मैंने ₹y मान ली। तो पहली क्वेश्चन क्या रहेगी, 3 बैट्स और उसने क्या 3 बैट्स लिए हैं और 6 बॉल्स ली हैं, तो वो है 3900 की, और उसने लिए हैं थ्री फिर उसके बाद उसने 3 बॉल्स और ली हैं और अनदर बैट, सॉरी अनदर बैट लिया है, ठीक है। बैट की कॉस्ट थी x, तो 1 × x x हो गया, और उसने 3 बॉल्स ली हैं तो वो 3y = 1300 हो गया। अब हमें इसको एल्जेब्रिकली दिखाना था, ये एल्जेब्रिकली दिखा दिया, अब हम इसका टेबल बना देते हैं। मैं इस इक्वेशन को इधर लिख देती हूँ, x + 13y = 1300, सॉरी 3y था ये,
है। अब मैंने इसकी टेबल बनाती हूँ, इसकी टेबल क्या बनेगी, अगर मैंने एक्स को, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स को अगर मैंने 300 लिया तो 900 हो जाएगा, इधर से 3000 बन जाएगा और सिक्स की टेबल में 500 पे आएगा, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने 100 ली तो ये 300 बन गया, और यहाँ से माइनस की तो 3600 बन गया, 3600 सिक्स की टेबल में 600 पे आएगा। ऐसे ही अगर मैंने इसकी वैल्यू 700 ली एक्स की वैल्यू, तो 2100 को 3900 में से माइनस किया तो कितना बचा, 1800, और 1800 सिक्स की टेबल में 300 पे आता है, राइट। ऐसे ही अब हमें ये बनानी है, अगर मैंने एक्स की वैल्यू को लेट करा और अब मैं उसकी वैल्यूज़ निकालूंगी, एक्स की वैल्यू अगर मैंने 400 लिया तो 400 में से ये 900 बच जाएगा तो वो 300 पे जाएगा 3 की टेबल में। अगर मैंने टेबल में एक्स की वैल्यू 100 ली तो ये 1200 बच जाएगा और ये 400 पे जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने 700 वैल्यू इसकी लेट करी तो ये 600 हो जाएगा और ये 200 पे जाएगा। तो अब मुझे इसकी वैल्यूज़ को ग्राफ्स में पुट करना है, राइट। इसको मैं 100 100 के डिफरेंस पे ले लेती हूँ, आई होप ये क्लियर हो गई। 100 200 300 400 500 600, ओके। तो पहली लाइन है 300 500 की, 300 और 500 यहाँ पे है, फिर 100 और 600 है, फिर 700 और 300 है। तो ये लाइन जो जा रही है वो जा रही है ऐसे। अब है 400 और 300, 400 और 300 यहाँ पे है, 100 और 400 यहाँ पे है, और 700 और 200 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये भी लाइन मेरी कुछ ऐसे जा रही है, तो आगे जाके ये पॉसिबिलिटी है कि ये मिले, अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। तो एप्पल्स की कॉस्ट मैंने ले ली एक्स, रुपीस एक्स, और ग्रेप्स की कॉस्ट मैंने ले ली रुपीस वाई। तो हमने क्या ख़रीदा है, पहले 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। तो 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स खरीदे हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, उनकी कॉस्ट है 160। उसके बाद मैंने 4 kg एप्पल्स खरीदे हैं और टू के जी ग्रेप्स खरीदे हैं 300 के। तो 4x प्लस 2y हो गया 300, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट ऑफ एप्पल और ग्रेप्स को एलजेब्रिकली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, अब मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली के लिए सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी, एक्स वाई की टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैंने वाई की वैल्यू 20 रखी तो ये 140 हो जाएगा और वो टेबल में आएगा 2 × 70 की। अगर मैंने एक्स की वैल्यू 60 रखी तो 120 हो जाएगा, यहाँ से माइनस होगा तो बचेगा 40। अगर मैंने एक्स की वैल्यू 50 रखी तो ये 100 बन जाएगा और यहाँ से माइनस होके बचेगा वाई की वैल्यू 60। ऐसे ही मैं इसकी टेबल भी फाइंड आउट करूँगी तो क्या बचेगा, अगर मैंने एक्स की वैल्यू को लेट किया 75, 4 × 75 क्या होगा 300, तो वाई की वैल्यू 0। अगर मैंने एक्स को 80 लेट किया तो 4 × 80 320 होता है, 320 को 300 से माइनस करेंगे तो -20, और -20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -10। आई होप ये समझ पा रहे हैं कैसे 4 × 80 हो गया और ये 2 × y = 300, और ये हो जाएगा 320 प्लस 2y = 320, और 2y हो जाएगा -20 और y हो जाएगा 300, और ये y हो जाएगा -10, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू 70 होगी तो 280, और 280 को 300 से माइनस किया तो बचा 20, और 20 को 2y के इक्वल पुट किया तो y = 10। ऐसे ही आप इसकी ग्राफ बना सकते हैं, इसको प्लॉटिंग करिए ग्राफ पर और इसका ग्राफ बना दीजिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा, थैंक यू।